रन से हारा है भारत। गौतम गंभीर यहाँ मेरे साथ हैं, शोएब अख्तर और संदीप पाटिल बाकी दोनों भी हमारे साथ हैं। शोएब, आपसे मैं पूछना चाहूंगा यहाँ पर कि आपने पिछली बार जब आप आए थे शो में तो आपने ये कहा था कि भारत को शायद पहले बल्लेबाजी करना चाहिए था, क्या आप उसको अभी भी उसी को सबसे बड़ी वजह मानते हैं या फिर आप ये कहेंगे कि जिस तरीके से गौतम यहाँ मानते हैं कि टीम इंडिया अभी चेस कर सकती थी जो उन्हें ठीक से किया नहीं? देखिए, स्कोर बोर्ड का प्रेशर तो होता है, गौतम बहुत बेहतर जानता है, बैटिंग कर चुका है, तो उसको पता है कि जब 340 का फटा लगा हो तो फिर प्रेशर ऑटोमेटिकली बैट्समैन पर होता है, स्ट्राइक रेट का, रन रेट का बहुत प्रेशर होता है। और जब पाकिस्तान ने 300 प्लस करना शुरू कर दिया था, सो आई थॉट कि नाउ पाकिस्तान बॉलिंग इज गोना बी मच मोर एट ईज, कि जहां पे हिंदुस्तान को प्रॉब्लम होगी। हाँ, ये बात सच है कि हिंदुस्तान 340 चेस कर सकता था, कुछ शक की बात नहीं होनी चाहिए इसमें। मेरे ख्याल में दे लुक टाइमिंग बिकॉज के स्कोर इतना ज्यादा हो चुका था कि उसको चेस करने के लिए आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स और थोड़ी सी ऑफुल अमाउंट ऑफ शॉट्स खेलनी पड़नी थी, प्लस आमिर का स्पेल वॉज वेरी क्रूशियल। और मैंने कहा था उमेश यादव को अपना यादव को ड्रॉप करना बनता ही नहीं है, पेस हमेशा मैचेस जिताती है आपको, और मुझे नहीं समझ लगता कि इतना जबरदस्त बॉलर होके उसको ड्रॉप कैसे कर दिया गया। यहाँ पे पेसर आपको चाहिए था जो आपको ब्रेक थ्रू लेके देता। हमने बड़े एटीज रन किए हैं, बट आई थिंक आई स्टिल बिलीव पाकिस्तान को पाकिस्तान को फुली ग्रांटेड ले लिया। गौतम, जो बात यहाँ पर शोएब कह रहे, आप उस बात को मानते हैं कि शायद जो है पैनिक कर गया टीम इंडिया चेस में, पर वो क्या पैनिक चेस से पहले वहां सेट इन हो गया जब जिस तरीके से पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने, खासतौर पर मोहम्मद हफीज ने जो एक कैमियो नॉक खेला वहां पर? देखिए, पहली बात तो मैं शोएब को मुबारक देना चाहूंगा, बिकॉज जैसे हमने पहले मैच से पहले टूर्नामेंट के बोला था कि अगर ये मिरेकल होगा कि अगर पाकिस्तान इंडिया को हरा देगा, तो कहीं ना कहीं जब टीम ऐसा, पाकिस्तान जैसी टीम ऐसा अच्छा खेलती है पहले मैच के बाद, तो कहीं ना कहीं उनको क्रेडिट देना चाहिए। और जो शोएब कह रहे हैं, मैं बिल्कुल उनके साथ मानता हूँ कि आई थिंक वी मिस द ट्रिक अगर हमने उमेश यादव नहीं खिलाया। उमेश यादव ने सिर्फ पूरे टूर्नामेंट में एक मैच में खराब बॉल डाला श्रीलंका के अगेंस्ट, और आपने उनको बाहर बिठा दिया। नो डाउट, ठीक है, आप श्रीलंका के अगेंस्ट या साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आप स्पिनर्स खिला सकते हो, बिकॉज उनके पास बहुत सारे लेफ्ट हैंडर्स हैं। बांग्लादेश के अगेंस्ट खिला सकते हो ऑफ स्पिनर, क्योंकि उनके पास तमीम, सौम्य सरकार और शकीब हैं। पर पाकिस्तान जैसी जो टीम है उसके अगेंस्ट जो ऊपर से लेके नीचे तक राइट हैंडर्स हैं, सिर्फ दो लेफ्ट हैंडर्स हैं, और पाकिस्तान जैसी टीम के अगेंस्ट आपको एक ऐसा बॉलर चाहिए था जो 140-145 डाल सके, और वो आपके पास सिर्फ उमेश यादव था। कहना कि जो शोएब कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है कि 10 ओवर के बाद जिस ईस्ट से उन्होंने रन बनाए, एक भी मोमेंट पे ऐसा नहीं लगा कि आप विकेट लेने को जा रहे हो, ऐसा लग रहा था कि आप अपने बॉलर से 10 ओवर निकलवाना चाहते हो। जब आप अपने बॉलर से 10 ओवर निकलवाने की कोशिश करोगे तो 340 भी हो सकता था, शायद आप 360 भी बना सकती थी। बुमराह और भुवनेश्वर कुमार ने अच्छा बॉल डाल दिया लास्ट 10 ओवर में, नहीं तो आई थिंक ये 360 बन सकता था। गौतम, यहाँ मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि मुझे कहीं भी लगा कि स्पिनर्स विकेट लेने गए हैं, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि स्पिनर्स स्टॉप बॉलिंग करी जा रहे हैं, तेज तेज करी जा रहे हैं। केदार यादव अगर छोड़ के वैरायटी के साथ अगर विकेट ले सकते हैं तो अश्विन भी बहुत बड़ा बॉलर है, नंबर वन बॉलर रहा है, तो आई थिंक मुझे क्यों लगा वो स्टॉप बॉलर बन गए हैं। जडेजा बहुत तेज बॉलिंग कर रहे थे और विकेट लेने कहीं भी नहीं गए और एटलीस्ट पे रन देते गए, तो आई थिंक बहुत सारी लॉजिकल, अगर क्रिकेटिंग लॉजिक्स देखें तो बहुत सारी गलतियां हो गई हैं। आई थिंक द बिगेस्ट मिस्टेक वाज द टॉस। आई थिंक ब्लेसिंग इन डिसगाइज होगी, पाकिस्तान ने टॉस जीता तो शायद पाकिस्तान पहले बॉलिंग करता, शायद ये आपके लिए अच्छा हो जाता और पाकिस्तान पे अगर 300 रन चढ़ जाते और पाकिस्तान को 300 का फटा चेज करना पड़ जाता तो पाकिस्तान बहुत बुरी तरह फंसता। लेकिन बट यू नो ये गेम है, लेकिन मैं फिर भी मुबारकबाद दूंगा, हिंदुस्तान की टीम एक बहुत जबरदस्त टीम है, बहुत बेहतरीन हिंदुस्तानियों के साथ मैं काम कर चुका हूँ, मैं बहुत ही बेहतरीन लोगों के साथ, हिंदुस्तान के लोगों के साथ काम कर चुका हूँ, बहुत ही बेहतरीन कौम है। और मुझे दुख हुआ कि मैं जितना हिंदुस्तान को जानता हूँ, जितना मैं हिंदुस्तानियों को जानता हूँ, मैं उड़ीसा से लेके हरियाणा तक मैंने ट्रैवल किया हुआ, पूरे हिंदुस्तान में ट्रैवल किया हुआ, बहुत ही जबरदस्त हम्बल और बड़े सेंसिबल लोग हैं, बड़े लॉजिकल बात करते हैं, लेकिन जब मुझे जो मैंने बातें सुनी गौतम, मुझे बड़ी तकलीफ हुई, ट्वीट्स देखे मुझे बड़ी तकलीफ हुई, मैंने अपनी तरफ से वतन बसा कोशिश की कि मैं ऐसी बात करूं कि जिससे दिल जुड़े। आज भी यही कह रहा हूं, हम बड़े आजी के साथ, बड़े अदब के साथ हम ये जीत को कबूल करते हैं, लेकिन क्रेडिट इंडिया को भी देते हैं कि हिंदुस्तान फाइनल खेला, इंडिया जरूर अच्छा खेला इस पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन पाकिस्तान
अच्छी क्रिकेट खेलकर पाकिस्तान जीता है चैंपियंस ट्रॉफी।